हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनु जैन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। और एक बार हम फिर हाजिर हैं एक और डॉक्टर के साथ आपकी कुछ क्वारीज के बारे में जानकारी देने के लिए। 21 दिन का लॉकडाउन है और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, जी हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस का टाइम है, क्योंकि एक तरफ तो उनको डिलीवरी का, सेफ डिलीवरी की टेंशन रहती है, दूसरी तरफ कोविड का जो खतरा है। तो तमाम तरह की क्वारीज, प्रश्न उनके दिमाग में है। तो आज हम उनके उन्हीं प्रश्नों का जवाब देंगे। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर आशा शर्मा, जो रॉकलैंड हॉस्पिटल में हेड है गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की, और साथ में इन्होंने इससे पहले सफदरजंग में भी काफी काम किया है। तो डॉक्टर आशा शर्मा, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो। एक बड़ा प्रश्न जो इस समय एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनके दिमाग में चल रहा है डॉक्टर, कि क्या अगर वो कोरोना की पेशेंट हो जाती हैं, तो ये जो इन्फेक्शन है ये उनके बच्चे को, जो जिसका जन्म होने वाला है, उनमें ट्रांसफर हो सकता है। तो कुछ बहुत ज्यादा डर है कुछ महिलाओं में इसको लेकर के। तो डॉक्टर आप बताइए, क्या ये संभव है? कोरोना वायरस जो आजकल बहुत धुन मचा रही है, बहुत कोहराम मचा रही है, वो न्यू बॉर्न बेबी में भी अफेक्ट करती है। और ये देखा गया है कि कोई भी वायरस है जो प्रेगनेंसी वुमेन को, प्लेसेंटा जो होता है, जो ऑल नाट जिसको बोलते हैं, वो क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच सकती है। इससे क्या नुकसान होंगे औरत की बॉडी में, ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन सब वायरसेस कुछ ना कुछ बच्चे में नुकसान करती हैं। तो इसलिए हमें बचाना माँ को बहुत ज़रूरी है। और अभी अभी एक पता चला है, आपको लोगों को भी पता चला होगा कि दो दिन के बच्चे और 4 दिन के बच्चों की डेथ हुई है, जो कि जिसमें कि कोरोना वायरस के सिम्टम पॉजिटिव पाए गए थे। तो इसका मतलब ये है कि नवजात शिशु को बाहर निकल के इसने इफेक्ट किया है, और या अंदर इफेक्ट किया कि 2 दिन में इसका असर होता नहीं। नॉर्मली इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है, तो हमें ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरा प्रश्न जो एक्सपेक्टिंग मदर्स के दिमाग में आ रहा है, और जाहिर भी है क्योंकि इस समय जो है प्रेगनेंसी में थोड़ा इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है, और तो क्या जो ये महिलाएं हैं जो इस समय गर्भवती हैं, क्या वो ज्यादा वल्नरेबल है? मतलब क्या उनको जल्दी कोरोना होना, इन्फेक्शन ये जल्दी पकड़ सकता है? और ऐसी महिलाएं जो पहले से ही बीपी या डायबिटीज का की प्रॉब्लम झेल रही हैं, क्या वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं कोरोना से? प्रेगनेंसी में हर औरत की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये तो हम सबको मालूम ही है। और कोरोना वायरस उनको अफेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी लो हो। इस लो इम्यूनिटी की वजह से कई बीमारियां, जैसे आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस, जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, उस टाइम में औरत की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और चांसेस ऑफ गेटिंग वायरल, ये जो कोरोना के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खाली डायबिटीज़ में नहीं, और भी कई बीमारियाँ जैसे हैं, थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इन सब में इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इंसान को इन बीमारी से बचने के लिए जो जो डॉक्टर बताए, जो जो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना बॉडी का। एक बहुत बड़ा ये भी स्ट्रेस है एक्सपेक्टिंग मदर्स को, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन है और यदि उनकी डेट इसी दिनों में ड्यू है, जो डॉक्टर्स पहले से ही बता देते हैं, तो किस तरह की सावधानियां बरतते हैं वो, क्या क्या सिम्टम्स को ध्यान में रखें? क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलती है और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 1-2 घंटे या 2-3 घंटे की डिले हो सकती है हॉस्पिटल पहुंचने में। तो ऐसे में बेटर यही है कि वो थोड़ा जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो किन लक्षणों को ध्यान रखें वो, कि जिसको अगर जैसे ही वो फील करती है वो तुरंत इस बात का अरेंज करें कि उनको हॉस्पिटल जाना है? महिलाओं को बार बार हॉस्पिटल में बुलाया जाता है कि आप आकर के हेल्थ चेकअप करवाइए, लेकिन अब 21 दिन का लॉकडाउन है, थोड़ी परेशानी भी है और जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम होना चाहिए इन महिलाओं का। तो इस समय जो महिलाएं हैं वो क्या हेल्थ चेकअप से 15 दिन डिले कर सकती हैं? किन महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है हेल्थ चेकअप की, जिसके लिए वो घर से निकले और अपने डॉक्टर के पास जाए? जी हाँ, लॉकडाउन के टाइम पर औरत को जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर 9 मंथ तक, 40 वीक्स तक कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में, जब 3 महीने होते हैं, जिसको कि अगर प्रॉब्लम है जिस तरह की कि पेट में दर्द हो रहा हो या कोई हल्की सी ब्लीडिंग हुई हो, ब्लीडिंग का मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं, स्पॉटिंग भी हुई हो, या पानी जा रहा हो, या कुछ और प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि 3 मंथ्स टू लेकर 7 मंथ तक जो प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर डिलीवरी की, उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तीसरा,
9 months, 8th month में, 9th month में अगर तुम्हें कमर में दर्द हो रहा हो या हल्का सा दर्द आता हो चला जाता हो या कोई वॉमिटिंग लगी हो, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही हो, कोई सडनली ऐसा हुआ कि पानी पानी सब नीचे बिस्तर गल गया, गंदा हो गया हो, उस समय डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। और ये ध्यान रखें कि देर ना लगाए, टाइम पे अस्पताल पहुंच जाए। जी डॉक्टर, एक बात और है कि क्या कोरोना के चलते ऐसा कुछ देखने में आया है कि जो प्री मेच्योर डिलीवरी है, मतलब जल्दी जो है डेट दी हुई है आगे की और जल्दी डिलीवरी हो जाए, तो क्या ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं? क्या इस बात का खतरा है कोरोना के चलते कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है? ऐसे प्री मेच्योर डिलीवरी, वैसे तो ये नहीं कह सकते कि प्री मेच्योर डिलीवरी क्यों हुई है, किसको हो सकती है, क्यों होती है, लेकिन ये तो पता है कि हम लोग को कि क्योंकि औरत बहुत टेंशन में इस टाइम पे होती है कोरोना वायरस में, तो टेंशन की वजह से उसके बहुत चांसेस प्री मेच्योर डिलीवरी के हो जाते हैं। और टेंशन से टॉक्सीमिया, जिसको कहते हैं प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, मतलब वेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर हाई रहना, उसकी दवाई खाना, नमक कम करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री मेच्योर डिलीवरी में टेंशन से रिलेटेड हैं। और टेंशन कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि इनकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी हो, लेकिन खाली कोरोना वायरस की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी मेरा नहीं ख्याल है कि हो सकती है। लेकिन फिर भी बाद में स्टडीज आएंगी, लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कितनी प्री मेच्योर डिलीवरी हुई, तो फिर इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो तो टेंशन से भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, तो इसकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे जो तनाव में है महिलाएं, क्योंकि एक तरफ तो उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि उनकी डिलीवरी जो है सेफ हो जाए, सिजेरियन में ना जाना पड़े, और दूसरी तरफ इस समय कोरोना का स्ट्रेस है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, लॉकडाउन में हैं और चाहते भी नहीं है एक्सपोजर हो उनका, तो थोड़ा स्ट्रेस में तो है इस समय गर्भवती महिलाएं, तो किस तरह से अपने स्ट्रेस को डील करें वो इस अवस्था में है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहेंगी तो उनके बच्चे पर भी असर पड़ सकता है, तो कुछ ऐसे टिप्स हो कि ये महिलाएं स्ट्रेस से दूर रहें। सोच रही होंगी कि पता नहीं हमारी वायरस की वजह से जो आजकल फैली हुई है इसमें मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ऐसा है, कोरोना वायरस की वजह से नॉर्मल डिलीवरी होना या सिजेरियन होना इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर किसी का पहले नॉर्मल डिलीवरी है और कोरोना इस समय कोरोना वायरस है, प्रेग्नेंट है, पूरा टाइम है, तो उसकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसको कोई डायबिटीज ड्यूरिंग इस टाइम पे डेवलप हो गई है या कोई शुगर हाई है या ब्लड प्रेशर हाई है या थायराइड नहीं कंट्रोल है, उसकी वजह से, या कोई और प्रीमैच्योरिटी के स्मॉल फॉर डेट है बेबी, उसकी वजह से सिजेरियन कर सकते हैं, लेकिन खाली कोरोना वायरस की वजह से ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि इस समय जो स्ट्रेस बहुत हो जाता है जो दिमाग में उसकी लेडी के, डबल स्ट्रेस होता है, तो वायरस का स्ट्रेस, एक प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, इसको लेने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि थोड़ा योगा करें, एक्सरसाइज करें, और सिंपल योगा जो कि माइंड को रिलैक्स करे वो करे, तो ये नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। और लास्टली डॉक्टर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सी ऐसी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं जो इस समय एसेंशियल ड्यूटीज में लगी हुई हैं, मतलब वो बैंक भी जा रही हैं, कई गर्भवती डॉक्टर्स भी हैं जो सेवा कर रही हैं, बाहर निकली हुई हैं, और एसेंशियल सर्विसेज में महिलाएं बाहर निकल रही हैं, तो क्या सेफ है उनके लिए बाहर निकलना इस समय में, और किन बातों का ध्यान रखें वो अगर उनको बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर निकलना और कुछ ना कुछ अपनी ड्यूटीज पे जाने के लिए? जी डॉक्टर। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को कई दफ़ा अपने घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या कई बच्चे हो, कभी ये ख़त्म हो गया, कभी राशन ख़त्म हो गया, कभी हल्दी ख़त्म हो गई, नमक ख़त्म हो गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो बाज़ार ना निकले, कोशिश करें बाज़ार ना निकले, अपने हस्बैंड को या घर में जो भी मेल मेंबर है या कोई और है उसको भेज के सामान मंगवाए। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है घर में अकेले होते हो, कोई नहीं होता है, तो जा सकती है, और जाने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि वो जब भी बाज़ार में जाए वो सब चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे मास्क पहना हुआ है, हाथ को आके धोए, कपड़े बदले, उन सब चीज़ों में प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि बैंक में जाने में जाए, बैंक में जा सकती है, कोई पैसे निकालने हैं, कोई ज़रूरत है तो जाए, साइन करे, लेकिन उस पेन को अपना पेन यूज़ करे, उनका पेन लेके ना इस्तेमाल करे, और पेन को यूज़ करके लाके उसको अल्कोहल से साफ करे, और क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको अल्कोहल से साफ करे।
तो थैंक यू डॉक्टर, आपने इतनी तमाम जानकारी दी और बहुत ही फायदेमंद जानकारी ये है, और खास तौर पर उन महिलाओं से जो घर पे बैठी हुई हैं, ज्यादा किसी से मिल नहीं सकती हैं, किसी से बात नहीं कर सकती हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं, जो आंसर्स हैं, ये उनके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। और हमारी जैसी कोशिश है न्यूज नशा के जरिए, हम आपको अलग अलग डॉक्टर्स से मिलवाते हैं और आपकी जो क्वारीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर आपको यहां बैठे बिठाए आपको न्यूज नशा के जरिए देते हैं। तो अगली बार हम किसी एक और डॉक्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कुछ और बीमारियों पर उससे चर्चा की जाए। और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।